घर एक जन्नत। मुझे मेरी मामा ने सब कुछ सिखाया हुआ। क्या ये भी उन्होंने ही सिखाया है कि इस घर में किसको बर्दाश्त करना है और किसको नहीं करना? मेरी मामा आपकी फूफो जैसी नहीं है। तुम्हें मसला फूफो से नहीं शर्मीन से है, राइट? क्या हो रहा है ये? तुम लोग खाने पर क्यों नहीं आए? आपकी बहू साहिबा को भूख जो नहीं लग रही। और ये क्या अंदाज है बात करने का वलीद? क्या हुआ है माहम? कुछ नहीं आंटी। बताओ बेटा, बताओ बेटा मुझे। आंटी मैं बहुत परेशान। माहम नहीं आई? नहीं, उसे भूख नहीं। तुमने खा लिया खाना? मैं बाद में खा लूंगी। बैठो, साथ ही खा लो। वापस क्यों आ गई? बाहर बहुत अच्छा कुछ देखकर आ रही हूँ। अच्छा, क्या? वलीद और शर्मी एक साथ खाना खा रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है जिस पर तुम इतनी खुश हो रही हो। मैंने तो ऐसा पहली बार ही देखा है ना। ख्वाहिश थी मेरी, अब तो ख्वाब बनकर ही रह गया है। माहम का मूड क्यों खराब है आज? शर्मीन के आने की तकलीफ है और क्या। उसे किस बात की तकलीफ होगी? शर्मीन की हिमाकतों की वजह से वो आज इस घर में राज कर रही है। दिन में बहुत बदतमीजी कर रही थी माहम मेरे साथ। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वलीद ने सुन लिया। फिर तो चेहरे का नक्शा ही देखने वाला था माहम का। चलो छोड़ो, अल्लाह सबको खुश रखे। आमीन। अम्मी बस शर्मीन के लिए दुआ किया करें। दिल कट जाता है जब शर्मीन के बारे में सोचती हूँ। अल्लाह उसका भी कोई सबब बनाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दूसरों में फासले पैदा करने से हम अपनी जगह नहीं बढ़ा सकते। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा वली। मेरी जगह कितनी है उसका अंदाजा हो चुका है मुझे। मामा से मेरे खिलाफ बोलने की क्या जरूरत थी? खिलाफ नहीं बोला, बस ये कहा कि आपकी बेटी ने जितना देखा उसी से मतलब अखज कर लिया। और तुमने ये नहीं बताया मामा को कि जो मैंने नहीं देखा उससे क्या मतलब अखस किया मैंने? मुझसे इस तरह बात मत किया करें वलीद। देखो मां, तुम एक ऐसे घर से आई जहां पर तुम्हें सिर्फ अपना और अपनी मामा का ख्याल रखना होता था। यहां पर सब मेरे लिए बहुत अहम है।
तो मैंने कब कहा कि आप किसी को अहमियत ना दें? तो फिर मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि किसी की वजह से या किसी के सामने मुझे डिग्रेड मत किया करें। मैं इस घर में सबको उतनी ही अहमियत देती हूँ जितनी आप देते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ। फलीद, अगर आपको मेरा आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करना बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, बट आई रियली लव यू। इतनी प्यारी बात कहकर तुम भाग कर रही? खाना लगाने लगी हूँ अपने लिए और आपके लिए। खाना तो वो मैंने शर्मिन, खामोश क्यों होगी? शर्मिन खाना खा रही थी ना, तो उसने मेरे लिए भी लगा दिया खाना। पर मुझे शर्मिन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर तुम कहो तो मैं सजा के तौर पर दूसरी बार तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, सजा के तौर पर आप मेरे साथ बैठ जाए बस यही काफी। बड़ी मेहरबानी, जल्दी जाओ, तुम्हें भूख लग रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आज आप ऑफिस नहीं गए? बस अभी जा रहा हूँ। तुम खुश तो हो ना? जी खुश हूँ। बेटा, मसरूफियत में तुम्हारे पास बैठने के लिए वक्त नहीं मिला। तुम भी सोचती होगी कि अंकल लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। नहीं अंकल, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। गुड। अच्छा ये बताओ कि अपनी मामा की तरफ चक्कर तो लगता होगा तुम्हारा। जी बेटा, वो अंकल आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज कहिए। बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारी शादी के बाद तो तुम्हारी मामा बिल्कुल अकेली रह गई होंगी ना। अक्सर कहती है कि मैं वापस चली जाती हूँ। ये तो तन्हाई का कोई हल नहीं, वहां जाकर भी तो अकेली रहेंगी ना। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए उन्हें रोक रही हूँ। बेटा क्या तुम ये नहीं चाहती कि उनकी जिंदगी का ये अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाए? क्या मतलब? आई मीन वो शादी करे। बेटा उनकी अपनी एक लाइफ, और लाइफ को तन्हा जीना किसी अजाब से कम नहीं है, स्पेशली जब कोई बहुत चाहने वाला हो तो तन्हा जीना अपने साथ सुन ले। मामा, I'm so happy for you. क्या हो गया तुम्हें? ये बताएं कि आपने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई? कौन सी बात? पता है मुझे अंकल ने अभी बताया और यकीन जाने में तो दौड़ी चली आई। क्या बताया? आपकी तन्हाई दूर करने का तरीका।
माँ तुम पागल हो गई हो? इसमें हर्ज ही क्या है? अगर कोई इतना चाहने वाला हो तो जिंदगी भर का साथ कबूल कर लेने में देर नहीं करनी चाहिए। ये तुम कह रही हो? क्या मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ? जब से मेरी शादी हुई है ना, आपने मुझसे सारी बातें सीक्रेट रखनी शुरू कर दी है। माँ, ये बात मेरे लिए इतनी जरूरी नहीं थी कि मैं तुमसे डिस्कस करती। क्यों मामा, क्या जो सरमद अंकल ने कहा है वो ठीक नहीं है? माँ, मोहब्बत होने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि इंसान अपने दूसरे रिश्तों को नजरअंदाज कर दे। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां हमें सिर्फ अपना ही नहीं सोचना होता। सरमद का तो दिमाग चल गया है। पर वो तो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे। तुम खुद सोचो, क्या मेरे ऐसा करने से तुम सबको फेस कर लोगे? क्यों फेस नहीं कर सकूंगी? आपको अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। सिर्फ मुझ पर ही नहीं, तुम पर भी उंगलियां उठेंगी। क्यों उठाएगा हम पर कोई उंगलियां? मैं सरमद अंकल से उन अंकल का एड्रेस लेती हूँ और खुद बात करती हूँ उनसे। क्या सरमद ने तुम्हें नहीं बताया कि वो किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? ये तुम उन्हीं से पूछ लेना। मैंने तुम्हें कहा था मौसम बदल रहा है, गरम कपड़े ले लो। फरीदे तो है अम्मी। उस दिन वलीद के साथ गई थी, खुल के शॉपिंग करती ना, वो तुम्हें मना करता क्या? मुझसे नहीं की जाती अब खुलकर शॉपिंग। मेरा दिल कहता है तुम्हारे नसीब में खुशियां जरूर आएंगी। मैं वलीद से कहूंगी, वो तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाएगा किसी दिन। प्लीज अम्मी, आप वलीद से कुछ मत कहिएगा। क्यों, क्यों ना कहूं? पहले ही मेरी वजह से वलीद और माहम के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्या मतलब? माहम ने समझा कि उस दिन वलीद मुझे शॉपिंग के लिए लेके गया था। वो तो बाद में जरी मुमानी ने बताया कि वो भी साथ थी। वलीद अकेला भी ले जाए तो क्या मसला है उसमें? अम्मी, अगर माहम को पसंद नहीं है तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं वलीद के साथ जाऊं? एक बात सुन लो मेरी, कोई जरूरत नहीं है माहम से डर कर रहने की। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। मेरी बात सुनो माहम, तुम्हें शर्मीन से क्या तकलीफ है? जी, तुम्हें यही एतराज है ना कि वलीद शर्मीन को डॉक्टर के पास और शॉपिंग के लिए क्यों लेकर गया? नहीं खोखो, मुझे कोई एतराज नहीं, और यूं भी आंटी साथ थी। और अगर वो साथ ना होती तो तुम मेरी बेटी पर बोहतान लगा देती। आप बिला वजह बात को बढ़ा रही हैं। बढ़ा नहीं रही हूं, वार्न कर रही हूं तुम्हें। अपनी औकात में रहो। क्या मतलब है कि अपनी औकात में रहो? तुम मेरी बेटी शर्मीन की जगह इस घर में आई हो, ये मत भूलना। ठहरिए फूफो, आपको शायद मेरी औकात का अंदाजा नहीं है अभी सही से। मैं इस घर में पूरी इज्जत के साथ और सबकी मर्जी से यहाँ आई हूँ, जबकि आपकी बेटी इस घर को छोड़कर इज्जत से नहीं गई थी। तुम्हारी ये जुर्रत!
ये क्या कर रही हैं? तुमने इसकी वजह से मेरा हाथ पकड़ा? क्योंकि ये मेरे घर की इज्जत है और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि वो इस पर हाथ उठाए। वलीद अगर सुन लेता तो इसी वक्त खड़े खड़े इसे घर से निकाल देता। ये आपकी गलत फहमी है, वलीद आपके भाई जैसा बिल्कुल नहीं है। जब दिल चाहे खड़े खड़े बीवी को घर से निकाल दे। वलीद की तरफ मैंने की है और वो अच्छी तरह से जानता है कि लोगों की बातों में आकर अपना घर बर्बाद नहीं करते। बेटों की शादियां हो गई हैं तो जबान बहुत लंबी हो गई है तुम्हारी, इसलिए क्योंकि अब मेरा सब्र खत्म हो गया है और आइंदा कोई बात करने से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिएगा। दूसरा भी मुंह बांध रखता है। सॉरी आंटी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं माँ, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है। असल वजह सबकी मैं खुद हूँ। जो आवाज आज मैंने ऊंची की है, अगर पहले की होती ना तो आज तुम्हें सजा नहीं मिल रही होती। नहीं आंटी, ये लड़ाई मुझ तक ही रहने दो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सब्र से बर्दाश्त करूं, लेकिन जब वो गलत बात करती है तो मैं खामोश नहीं रह पाती। नहीं बेटा, जुल्म के सामने खामोश रहना भी बजाते खुद बहुत बड़ा जुल्म होता है। और ये जुल्म मैं आज तक खुद पर करती आई हूँ। आंटी, इन लोगों के दिलों में आपके लिए इतनी नफरत क्यों है? बस बेटा, कुछ लोग मोहब्बत तो दे सकते हैं लेकिन मोहब्बत देने से डरते हैं। वो ये समझते हैं कि कहीं उनके इख्तियारात ना खो बैठे, और ये सब लोग उन्हीं में से हैं।